वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्लाज्मोडियम की हैबिटेट के बारे में, हैबिट्स के बारे में, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, एज वेल एज उसके सिस्टमेटिक जो पोजीशंस है कि किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्लाज्मोडियम के अंदर लाइफ साइकिल, ठीक है, कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। थर्ड रेडियो लेक्चर में हम देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ मलेरिया और मलेरिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मैटर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें प्लाज्मोडियम की बात करें तो आपका जो प्लाज्मोडियम है इसको हम कॉमनली मलेरियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम क्या काज करता है, ह्यूमन बींग के अंदर मलेरिया काज करता है। डेट्स वाई इसको हम क्या कह रहे हैं, मलेरियल पैरासाइट कह रहे हैं। जो आपका प्रोटोजोन्स है प्लाज्मोडियम, ये क्या करता है, ड्रेडफुल डिजीज काज करता है, ये आपका ड्रेडफुल्स है, बट आपकी जो मलेरिया है वो कैसे आपका फुली क्योरेबल डिजीज है ह्यूमन के अंदर। अब तक प्लाज्मोडियम की 60 स्पीसीज क्या की आपकी आइडेंटिफाई की हुई है, नोन है, जो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर क्या काज करते हैं, मलेरिया काज करते हैं। जैसे आपके अदर जो एनिमल, जैसे रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, इन सब के अंदर क्या काज करते हैं, आपकी मलेरिया काज करते हैं। तो आउट ऑफ 60 स्पीसीज आपके जो 4 जो स्पीसीज है वो आपके ह्यूमन थिंग्स के अंदर क्या करते हैं, मलेरिया काज करती है। तो कौन कौन सी 4 स्पीसीज है, जिसमें से फर्स्ट है आपकी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सेकेंड है प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड है आपकी प्लाज्मोडियम मैलेरी और फर्स्ट आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। तो ये 4 जो स्पीसीज है ये ह्यूमन के लिए कैसी हो, आपकी पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग के अंदर क्या काज करती है, आपकी मलेरिया काज करती है। इसके अलावा हम बात करें आपका जो प्लाज्मोडियम है ये आपके कैसे होते हैं, हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स एक जो स्पीसीज अगर किसी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या काज कर रही है, मलेरिया काज कर रही है, तो उसी स्पीसीज की उसी इंडिविजुअल के अंदर क्या करेगी, मलेरिया काज करेगी। ये नहीं कि आपका जो ह्यूमन बींग्स को मलेरिया काज करी है स्पीसीज, वो आपके अदर वर्टिब्रेट्स को काज करेगी, फिर आपके अदर मैमल्स को वो क्या करेगी, लाइक मंकी के अंदर मलेरिया काज करेगी। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपके जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे होता है, आपका हाईली होस्ट स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें सिस्टमेटिक पोजिशंस की बात करें तो आपका जो प्लाज्मोडियम है वो आपका बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से। फाइलम की बात करें तो अगर हम ओल्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपके स्पोरोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है, और न्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपकी एपी कॉम्प्लेक्सा फाइलम से बिलोंग करता है, क्लास कोकीडिया से बिलोंग करता है, और अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस का इसका आपका प्लाज्मोडियम है, और स्पीसीज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वाइवेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो आपका जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है ये आपका कैसा होता है, आपका कॉस्मोपॉलिटियन होता है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जो आपके ऑल पार्ट के अंदर प्रेजेंट हो वर्ल्ड के, उनको हम क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटियन एनिमल्स कहेंगे। तो आपका प्लाज्मोडियम कैसा है, कॉस्मोपॉलिटियन एनिमल्स है। फिर भी ये आपका फाउंड वाइडली स्प्रेड फ्रॉम 45 डिग्री साउथ तो 63 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर क्या होता है, आपका प्रजेंट होता है, मोर कॉमनली प्रजेंट होते हैं आपके वार्मर जो रीजन्स होते हैं, वार्मर जो पार्ट होते हैं, लाइक आपके ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, आपके टेम्परेट रीजन्स की बात करें, तो आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर क्या होते हैं, आपके मोस्ट कॉमनली प्रजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी हैबिटेट की बात करें तो आपके कॉस्मोपॉलिटन तो है, तो आपका जो प्लाज्मोडियम है ये आपका पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है जो क्या काज कर रहा है, आपकी मलेरिया काज कर रहा है। तो आपका जो पैरासाइट्स है तो पैरासाइट्स में भी आपका एंडो पैरासाइट हो सकता है, मे बी एक्जो पैरासाइट हो सकता है। तो आपका जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे आपका एंडो पैरासाइट है, कैसे आपका एंडो पैरासाइट है, मीन्स इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है, और इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स भी कैसा होता है, आपका इंट्रा सेलुलर होता है, मे बी इंट्रा सेलुलर हो सकता है, मे बी इंटर सेलुलर हो सकता है, ठीक है। तो आपका मे बी इंट्रासेलुलर और मे बी इंटरसेलुलर, इंट्रा का मतलब क्या होता है विद इन, इंट्रा का मतलब क्या होता है विद इन, और इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है बिटवीन, इंटर का मतलब क्या होता है आपका बिटवीन होता है। तो आपके ऐसे पैरासाइट जो आपके विद इन द सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं इंट्रासेलुलर, अदर जो आपके सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं इंटरसेलुलर।
आपके दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी इंट्रा और मे बी इंटर। तो आपके एंडोपैरासाइट दो टाइप के हैं, इंट्रा और इंटर। बट अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके विद इन दी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो विद इन दी सेल्स ह्यूमन के अंदर कौन सी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, आपकी आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आपके इरिथ्रोसाइट जो सेल्स है उनके इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी जो पैरेन्काइमल जो सेल्स, आपकी हिपेटिक जो सेल्स है लिवर की, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैन के अंदर। तो ये आपका सेकेंड। हम बात करें आपके फीमेल एनाफिलीज की बात करें तो फीमेल एनाफिलीज की एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, और आपकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके होस्ट की बात करें तो आपका जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे एनिमल्स, आपका डाइजेनेटिक। अगर किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल अगर सिंगल वन होस्ट के अंदर कंप्लीट हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोजेनेटिक एनिमल्स। क्या कहेंगे उसको, हम मोनोजेनेटिक एनिमल्स कहेंगे। तो आपका जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे आपका डाइजेनेटिक एनिमल्स है, मीन्स इसके जो लाइफ साइकिल है दो होस्ट में कंप्लीट होते हैं। दो होस्ट कौन कौन से हैं, जिसमें से एक होस्ट है आपका ह्यूमन, सेकेंड होस्ट है आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो आपका जो ह्यूमन है इसके अंदर क्या होता है, आपकी ए सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है, और आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बात करें तो इसके अंदर आपका सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। आपका जो ह्यूमन है इसको हम सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं, वाइल आपका जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है आपका प्राइमरी डेफिनेटिव या इसको हम फाइनल होस्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंड हम बात करें आपका जो फीमेल मॉस्किटो है आपका बोथ वेक्टर की तरह भी एक्ट करता है और आपके होस्ट की तरह भी एक्ट करता है। जब इसके इनसाइड आपकी लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, लाइफ साइकिल जो फेज होता है प्लाज्मोडियम का, उस टाइम जो आपका फीमेल एनाफेज है वो एक्ट करता है एज ए होस्ट, और जिस टाइम ये प्लाज्मोडियम को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, कैरियर का काम करता है, एक हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, आपके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जब ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करेगा तो उस टाइम किसका काम करता है, ये वेक्टर का काम करता है। तो आपका फीमेल मोर एनोफिलीज मॉस्किटो बोथ आपके वेक्टर का भी काम करता है और आपके होस्ट का भी काम करता है। बट अगर हम मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात करें तो मेडिकल प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग आपका जो ह्यूमन है वो आपका क्या है, प्राइमरी होस्ट होता है, और जो फीमेल एनाफिलीज है वो आपका सेकेंडरी होस्ट होता है। क्योंकि जो पैथोजेनिसिटी है प्लाज्मोडियम किसके अंदर काज कर रहा है, ह्यूमन के अंदर काज कर रहा है, ना कि एनिमल्स के अंदर काज कर रहा है। ठीक है, मलेरिया कभी भी मॉस्किटो के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, कोई भी डिजीज काज नहीं होती। डेट्स वाई अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोफेसिस जो आपका मॉस्किटो है वो आपका कैसा होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, और आपका जो ह्यूमन है वो कैसा होता है, आपका प्राइमरी होस्ट होता है। थैंक यू।